गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज कर रहे थे 3.3, उसमें हमने क्वेश्चन किए थे 7, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमारा क्लेम आप लोगों को दिख रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्लेम हमारा है कॉर्ड्स के रेक्स, इस चीज़ को हमें कॉर्ड्स के रेक्स के इक्वल प्रूव करना है। सो हम क्या करेंगे, क्लेम पहला जो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा रखना मतलब एक क्वाड्रेंट सिस्टम का कंसेप्ट देखिए, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है ये पाई माइनस एक्स, ये पाई माइनस एक्स होता है, ये पाई प्लस एक्स होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पे पाई प्लस एक्स में देखिए, पाई प्लस एक्स कॉस 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस कॉस एक्स आया और कॉस ऑफ एक्स आया, क्योंकि कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है माइनस का, ठीक है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा नीचे आ गया। साइन बाय सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस 190 प्लस थीटा। तो देखिए बच्चे, जब आप यहां से 90 प्लस में आओगे तो आपको यहां पे मिलेगा माइनस साइन ऑफ एक्स, क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ, सॉरी ये एक्स है, थीटा नहीं है, तो अगर एक्स है तो एक्स लगाइए, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे माइनस एक्स है तो साइन ऑफ एक्स आता है, माइनस कॉस के एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, कॉस के एक्स आपका आंसर किया गया है। हम लोगों ने सिर्फ क्वाड्रेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट किया है, तो क्वाड्रेंट सिस्टम हमें कहता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नीगेटिव। तो ये कंसेप्ट अगर आप लोगों को पता है तो क्वेश्चन इज नॉट टू डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इस अच्छे तरीके से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ये दिए हुए हैं cos 3 पाई बाय 2 प्लस x, मैं लेफ्ट हैंड साइड करूंगा cos 2 पाई प्लस x और 3 पाई बाय 2 माइनस x प्लस cos 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू 100 करना है, इसको आंसर में हमें क्या लाना है 1, ठीक है। तो हमें पता है क्वाड्रेंट सिस्टम का हमने कंफिगरेशन सी हुई है, ठीक है। तो देखिए पहले 3, देखिए पाई बाय 2 होगा तो फेज चेंज होगा, 3 पाई बाय 2 को मैं पता हूँ ये 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है, ठीक है, माइनस थीटा होता है, और ये 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्योंकि 270 यहाँ पे है, क्योंकि ये 180 डिग्री से 270 है और ये 270 से 360 है, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा, क्योंकि हम कहाँ पे आए, कॉस देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, फिर ये कॉस आएगा, पॉजिटिव कॉस ऑफ एक्स, अच्छा कॉस 2 पाई, ये 2 पाई प्लस एक्स इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, ये कॉस ऑफ एक्स आएगा, तो ये सॉरी ये कितना आएगा, कॉस है तो ये साइन एक्स आएगा, क्योंकि फेज चेंज होगा, कॉस 90 प्लस थीटा जैसे आप लिखते हो ना, कॉस 90 प्लस थीटा, तो आप लिखते हो साइन थीटा, लेकिन 90 प्लस में आएगा तो माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कॉस नहीं, तो ये साइन एक्स आ गया। अच्छा उसके बाद कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे टैन पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव होगा, कॉट ऑफ एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस थीटा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कॉट क्या है, पॉजिटिव आएगा, ठीक, ये कॉट ये कितना आएगा, सॉरी ये कॉट है तो कॉट का चेंज इसमें होगा, क्योंकि पाई बाय 2 है ना, तो पाई बाय 2 में भी ये आएगा टैन, सॉरी टैन एक्स प्लस ये आएगा कॉट। देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जब फेज चेंज होता है 90 में भी जब फेज चेंज होगा तो कॉट का टैन बन जाएगा और टैन का कॉट बन जाएगा, साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव की अगर किसी की नेगेटिव साइन देखना है, पॉजिटिव साइन देखना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट सिस्टम की आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कॉट 3 पाई बाय 2 है ना, 3 पाई बाय 2 हो गया 270, 270 जब आएगा, जैसे 5 by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, 11 pi by 2, 9 pi by 2, कुछ इस तरह की वैल्यूज अगर आएंगी तो उसमें फेज चेंज होगा, ठीक है। तो ये 10x बन गया इसका, क्यों, क्योंकि ये और ये पॉजिटिव इसलिए आया कि माइनस थीटा था, माइनस थीटा यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, तो ये cot x का cot x रहा, क्योंकि सिंपल 2 pi plus थीटा था, यहाँ पे cos पॉजिटिव है, ये आएगा sin x cos x, इसको करिए sin x by cos x और ये करिए cos x by करो, ये आएगा साइन एक्स कॉस एक्स
जाएगा साइन स्केर एक्स प्लस कॉस स्केर एक्स अपॉन कितना आएगा साइन एक्स और कॉस एक्स। तो बच्चा लोग ये कैंसिल हो गया साइन स्केर एक्स प्लस कॉस स्केर एक्स ये कितना आएगा वन हैंसर। तो ये आपका पहला इसका क्वेश्चन नंबर नाइन भी जो है हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन। अगर प्लस माइनस हो तो प्लस आता है, प्लस हो तो माइनस आता है, ठीक है। ये एक्चुअली डायरेक्ट इनके कंसेप्ट है। जब डिफरेंशिएशन जाएंगे हम आपको बताएंगे कि हाउ टू अंडरस्टैंड दी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। ए आपके पास ये है, ये आपके पास नहीं है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। तो फॉर्मूला करिए कॉस ऑफ ए व्हाट इज एन प्लस वन n plus 1 into x minus n plus 2 into x. Accordingly, हम इसको cos n x plus x minus n x minus 2 x. ठीक है? ये भी कैंसिल cos of x minus 2 x मिला, ये मिला cos of minus x and cos of minus x होता है cos x. ये प्रूव हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों का प्रूव हो चुका है। देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट हुआ है cos a minus b का, तो a में से b को फाइंड करना है। तो सॉल्व करने के बाद आपके सामने है cos ऑफ माइनस टेन जीरो cos थीटा है मैं टेन को कोई, ठीक है। सो अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है cos 3 पाई बाय 4 माइनस प्लस x माइनस कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस। बच्चे इसको हमें आंसर में चाहिए माइनस रूट 2 साइन एक्स। तो मैं आप लोगों के एक ही बात बोलूँगा, फॉर्मूलाज आपको अगर लर्न नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री इज टू डिफिकल्ट फॉर यू, इफ द फॉर्मूलाज आर लर्न यू कैन सॉल्व इट वेरी इजी। देखिए हमारे पास एक ये फॉर्मूला है कॉस सॉरी कॉस ए माइनस कॉस बी का, ये आएगा माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाय टू। अगर कॉस में माइनस हो तो दोनों साइन और प्लस हो तो दोनों कॉस साइन ए माइनस बी बाय। तो बेटा ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, लगाओ फॉर्मूला माइनस 2 साइन 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 मुझे आ जाएगा साइन 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स। जब बेटा माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस वाला एक्स क्या रहेगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस 2 साइन, देखो भाई 3 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 6 पाई बाय 4 क्योंकि एलसीएम से ये हो जाएगा बेटा ये 2 था ये 2 से हो गया, तो 2 बाय 2 2 हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ हो जाएगा साइन 2x बाय 2 ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा चलो हमें मिला माइनस 2 साइन 3 बाय 4 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई 3 बाय 4 आएगा ना, तो इसको पाई माइनस पाई 4 करिए। क्यों किया रीजन है इसके पीछे भाई, ऐसे नहीं निकल सकता क्योंकि 3 बाय 4 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो मैं इसे लिखूंगा साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन ऑफ थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये माइनस 2 साइन पाई बाय 4 इंटू साइन ऑफ एक्स आएगा, माइनस 2 साइन भाई पाई बाय 4 होता है 1 बाय 2, कितना होता है 1 बाय 2, तो माइनस 2 रूट 2 रैशनलाइज कर साइन एक्स माइनस 2 रूट 2 बाई 2 साइन एक्स। तो बच्चा तो रूट 2 कैंसिल, तो माइनस रूट 2 साइन ऑफ एक्स कैंसिल। तो आप लोगों ने देखा है इस क्वेश्चन में किस तरीके से हमने किया है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है, यहाँ पे 3 पाई बाय 4 को ब्रेक किया है, ठीक है, 3 पाई बाय 4 को ब्रेक किया है, साइन ऑफ एक्स किया है, देखो क्लियरेंस का फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है, साइन 180 माइनस थीटा साइन ऑफ थीटा होता है,
के साइन पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट 2 क्योंकि साइन का रूट 2 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 है। तो रूट 2 को रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास आ गया आंसर -√2 sin of x। तो बच्चा लोग ये था हमारा आज का लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।